शिल्पा शिल्पा दरवाजा खोल शिल्पा बेटा दरवाजा खोल बेटा आई आई के पास सो आई बाबा बाबा स्काई फांसी लगा रही है बाबा क्या कर रही है तू ऐसे हार नहीं मानते बेटा हिम्मत रख पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कर बेटा देखना सब ठीक हो जाएगा सुन सुन बेटा सुन जो हुआ उसे भूल जा अपनी जिंदगी जो है नए सिरे से शुरू कर कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या करूं आज तो हम लोग सब लोग थे इसलिए हमने संभाल लिया अगर किसी दिन हम लोग नहीं हुए तो इतना बड़ा सदमा लगाया उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना ठीक होने के लिए मैं समझती हूँ मीनाक्षी की कि मेरी वजह से सब लोगों पर क्या बीत रही है लेकिन मैं क्या करूं मुझे अरे आप बस ख्याल रखो और खुश रहने की कोशिश करो ठीक है बाकी सब हम संभाल लेंगे क्यों मीनाक्षी पानी पी जब परिवार का कोई मेंबर मुसीबत में होता है तो परिवार का आदमी काम आता है ना और हम तो हमारा फर्ज निभा रहे हैं लेकिन हाँ पुरानी बातें भूलने की कोशिश कीजिए ठीक है जी ताई और जो भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती है आप क्यों अपने आप को दिन रात कोसती रहती हैं? ये सब बातें छोड़ो और आप आराम करो हाँ मीनाक्षी कल हम इन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे ठीक है जी और देख लेना ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी ताई आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है ताई आप बाथरूम में है क्या ताई कहाँ है आप ताई ताई क्या कर रहा था ये तू? मैं तो इनका दुपट्टा ठीक कर रहा था ये ऐसे रास्ते में खोई हुई सी चली जा रही थी इनका दुपट्टा नीचे गिर रहा था मैं बस वही ठीक कर रहा था तू जैसे घटिया लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ गंदे गंदे वीडियोस बनाता रहा तू खबरदार अगर मैं ताई के आसपास भी दिखा दो समझा ताई ताई चलो हाँ जी बहन जी क्या लेंगी बहन जी क्या लेंगी टमाटर या शिमला मिर्च फ्रेश है एकदम अरे ओ बहन जी क्या कर रही हैं आप ये असली चाकू है वो कट गया ना मर जाएंगी आप मुझे भी मरवाएंगी जाइए यहाँ से
कौन है? मालूम नहीं कौन है ये लड़की, जाने कहां कहां से आ जाते हैं। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। वही रुक जाओ, निकल जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहां से। क्या देखने आया है? हा? मेरी ताई जिंदा है या मर गई? देख लो, मार डाला तूने मेरी ताई को। कौन किया है तुमने उसका? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, पूरी दुनिया को तेरी सच्चाई बताऊंगी कि तूने मेरी बहन को मारा है। देखिए, मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, संभालिए ने। और आप होश में आइए, इस बात का ध्यान रखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। फिजूल के ना किसी पे झूठे इल्जाम मत लगाइए। झूठा आरोप? मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ? क्या बोल रही है? मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी नितिन, इस आदमी ने मेरी मेरी बहन को मारा है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मीनाक्षी, हमें आप सबकी मदद चाहिए मेरी बहन शिल्पा ताई को न्याय दिलाने में, क्योंकि हमें पता है कि प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा। हमने इंस्पेक्टर सुधीर के खिलाफ पहले भी कंप्लेन की है, लेकिन डिपार्टमेंट ने झूठा नाटक किया और कोई सबूत नहीं मिल रहा कहकर उसे क्लीन चिट दे दी। अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो आज वो इंस्पेक्टर सुधीर सलाखों के पीछे होता और मेरी शिल्पा ताई बहुत जिंदा होती। आपका शिल्पा और उनके परिवार से क्या संबंध है? देखिए, मेरा इनसे कोई निजी संबंध नहीं है, मैं बस इस केस की तहकीकात कर रहा हूँ। जो देखने में अभी तक सुसाइड केस लग रहा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को और कुछ नहीं बता सकता। अरे डिपार्टमेंट की बात आपने कही नहीं सर। मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है और मुझे पता है उसे किसने मारा है। किसने मारा है आई? तेरे बाबा ने। आई आई, मैं जानती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ताई की मौत का गहरा सदमा लगा है, लेकिन तू ये बात किसी के सामने मत बोलना। बाबा ऐसा नहीं कर सकते, वो तो ताई से बहुत प्यार करते थे। मुझे पता है, उन्होंने उसे मारा है, उन्होंने उसे मारा है, मुझे पता है, उन्होंने उसे मारा है। आई पापा पाटिल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। इंस्पेक्टर सुधीर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। देश भर में आए दिन पुलिस की जवाबदेही पर सवाल या निशान खड़े होते रहते हैं, और जब किसी केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही आरोपी हो तो न्याय की उम्मीद और भी धुंधली हो जाती है। इंस्पेक्टर सुधीर को बर्खास्त करो। बहुत शोर कर रहे, भगा क्यों ऐसे? और जैसा कि आप देख रहे हैं, परिवार ही नहीं जनता भी शिल्पा के लिए न्याय की मांग कर रही है। महादेव पाटिल यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, वो और उनकी पार्टी और उनके समर्थक रोज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सुधीर को केस से हटाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शिल्पा को न्याय कब तक मिलेगा, मिलता है या नहीं। क्या हुआ, रास्ता क्यों रोका? नहीं पता तुझे है? नाटक कर रहे हैं? नहीं पता
तेरी बीवी को समझा ले, क्योंकि अगर मेरी नौकरी गई ना तो इस शहर में क्या तुम लोगों को इस पूरी दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझे? और तुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पता है ना? शिल्पा पाटिल की मौत का मामला मीडिया के जरिए पूरे देश में आग की तरह से फैल गया था। शिल्पा ने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या हुई थी, ये चर्चा का विषय बना हुआ था। शिल्पा के परिवार के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर सुधीर खुद आरोपी था, जिसकी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जनता और मीडिया के बढ़ते दबाव के कारण इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जो कि इस केस की शुरुआत से जांच करने वाली थी। वैसे भी इंस्पेक्टर सुधीर अपनी जांच को कुछ आगे बढ़ा नहीं पाया था, क्योंकि शिल्पा के परिवार वालों ने उसे बयान देने और कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया था। क्राइम ब्रांच अब अपने तरीके से इस केस की जांच करने वाली थी, लेकिन क्या वाकई में सुधीर का शिल्पा की मौत से कोई संबंध था? और क्यों शिल्पा की माँ कमला खुद अपने ही पति और शिल्पा के पिता महादेव पाटिल को शिल्पा की मौत का जिम्मेदार बता रही थी? सर, शिल्पा की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर पर 12 छोटे और 4 बड़े घाव हैं, और सर इन्हीं घाव की वजह से उसकी मौत हुई है। रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि शिल्पा ने इसके पहले कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की, और इस बार वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई। सर, शिल्पा की मौत इन 12 छोटे घावों की वजह से नहीं, बल्कि वो 4 बड़े घावों की वजह से हुई। शिरके, ये केस जितना सिंपल दिखता है मुझे लगता है उतना है नहीं। क्या आपको पक्का यकीन है कि आपकी बहन शिल्पा पाटिल ने आत्महत्या की? नहीं सर, सर ताई की हालत ठीक नहीं थी, उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी सर, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बहन कभी सुसाइड नहीं कर सकती। सर, उसे मजबूर किया है सुसाइड करने में, और उन्हें मजबूर करने वाला वो इंस्पेक्टर सुधीर है। सर, ये सुसाइड केस नहीं है, अबेटमेंट टू सुसाइड केस है सर। लेकिन हमें तो लगता है ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। क्या? शायद। फिलहाल हमें शिल्पा की बैक स्टोरी जाननी है, क्या हुआ था उसके साथ? सर, कुछ महीने पहले तो सब कुछ ठीक था, ताई बहुत खुश रहती थी, लेकिन सर जब एक बार वो बाबा के साथ चुनाव प्रचार में गई। भाइयों और बहनों, महादेव पाटिल के नगर सेवक होते हुए इस एरिया का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और इस बात की कोई दो राय नहीं है, वो चाहे क्षेत्र का विकास हो या महिलाओं की सुरक्षा हो। महादेव पाटिल ने हर सुख दुख में और परेशानी में जनता का कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है, और आगे भी देते रहेंगे। पाटिल साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। हटाना गाड़ी, हटाना। तेरे को मालूम नहीं क्या किसकी रैली है? किसकी रैली? किसकी रैली? महादेव पाटिल की। उसका बाप का क्या? तेरे बाप का है। कार्यकर्ता है ना? हैं? तू दादागिरी करेगा? तू दादागिरी करेगा? डॉन बन ले, चल लेकर आ, चल अंदर से ले इनको इधर। अब सर, मैंने उन लोगों को समझा दिया, अब गलती से भी आपसे नहीं भिड़ेंगे। बात सिर्फ हमारी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, अगर वो एक नगर सेवक के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आप सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा। इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ है या नहीं? आम जनता की सुरक्षा का क्या? या फिर आप पर्सनल लेवल पर ही प्रॉब्लम डील करते हैं? सर, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो इंटेंशनली किया गया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको जहाँ रैली करनी है आप कीजिए। आज से हमारे 2 कांस्टेबल आपके साथ हमेशा रहेंगे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुधीर, तुम जानते हो कि मेरा एक बार डिवोर्स हो चुका है, मैं रिश्ते में एक बार धोखा खा चुकी हूँ, और अगर दूसरी बार ऐसा हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और अगर तुम मेरे साथ शिल्पा,
तुम बेकार की बातें क्यों सोचती हो? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखना जल्दी तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ में नहीं आऊंगा। क्या छुपा रही हो ताई? मुझे पता है कि आपका और इंस्पेक्टर सुधीर का अफेयर चल रहा है। मैंने आप दोनों को कई बार देखा भी है साथ में। पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रही हूँ कि जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। कल को ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अरे तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा बताओ कहाँ मिलना आज? सुधीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अभी टेस्ट करा, वो पॉजिटिव आया है। मुझे लगता है हमें शादी करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द शादी करते हैं। हेलो सुधीर जी, ये इंस्पेक्टर सुधीर कहाँ होंगे? वो तो छुट्टी पे है, कब लौटेंगे पता नहीं। ये इंस्पेक्टर सुधीर हेडक्वार्टर्स में रहते हैं ना? वो तो शादी से पहले रहते थे, अब शादी के बाद फैमिली के साथ वो बमादेव नगर में बंगला नंबर 4 में रहते हैं। सुधीर मैडम, आप थाने आइए, वहां पे जाके बात करते। मैडम, आज बेबी जानू सोना नहीं बोला तुमने? मुझसे झूठ बोलते रहे और इस बेचारी को भी धोखा दिया। मुझसे शादी के वादे अपने हवस की आग बुझाने के लिए किए थे। अब जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो अनजान होने का नाटक कर रहे हो? क्या बोल रही है ये? कौन है ये? अरे पता नहीं किसका बच्चा पेट में लेके घूम रही है और मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। चलो ये मेरा घर है, चलिए चलिए। और ये किसका बच्चा है? तुम चीना सॉरी, जिसके साथ मुंह काला करके आई है ना, उसको पकड़ जाके। और दोबारा याद दिखी ना तो गोली मार दूंगा, बता रहा हूं मैं। सर ताई की पहली शादी टूटने के बाद दोबारा प्यार में धोखा खाने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी तबीयत खराब रहने लगी और सर उन्होंने कई बार अपने आप को जान से मारने की कोशिश की। उन्हें देखकर आई बाबा और दुखी होते, ये सोचकर मैं ताई को यहाँ लेकर आई अपने घर में। सर उस दिन जब मैं सब्जी लेने मार्केट के लिए निकली तब ताई घर पर ही थी, और जैसे ही मैं वापस आई मैंने देखा कि ताई खून से लथपथ पड़ी हुई है। सर वो मर चुकी थी। सर आपने इंस्पेक्टर सुधीर के खिलाफ कंप्लेंट की थी? हाँ सर। सर लेकिन वो डिपार्टमेंट का आदमी था ना, पुलिस उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है कहकर कई दिन निकाल दिए उन्होंने, और फिर सबूत नहीं मिला कहकर सुधीर को बिल्कुल बिल्कुल क्लीन चिट दे दी उन्होंने। जब हमें पुलिस का कोई सहारा नहीं मिला तब हमने मीडिया का सहारा लिया। महादेव जी, मीनाक्षी, आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिल्पा को न्याय दिलवा कर रहेंगे और सच्चाई को उजागर करने के लिए मैंने अखबार शुरू किया है। सर मीडिया के सपोर्ट से हम सुधीर और पुलिस पर कोई दबाव बना पाते उससे पहले बाबा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और शिल्पा ताई का केस ऐसे ही दब गया। क्यों? देखिए वो तो मीनाक्षी मुझे जबरदस्ती वहाँ लेके गई थी, वरना मुझे तो पहले से पता था कि वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब ये कि देखिए
सुधीर ने मेरी बेटी के साथ जो गलत करना था वो तो कर लिया था, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने उसे क्लीन चिट दे दी। अब कुछ ले दे के दी हो या फिर डिपार्टमेंट ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दी हो, लेकिन दे तो दी ना, वो तो छूट गया। मेरी बेटी को तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। और देखिए, अब इस मामले को आगे बढ़ाने के बाद मेरी और मेरी पार्टी की दोनों की छवि खराब हो सकती है, इसलिए मैंने खुद ही इस मामले को दबा दिया। लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शिल्पा की जो बेइज्जती हुई, उसका जो ह्यूमिलेशन हुआ, शायद उसको न्याय मिलता तो ठीक हो जाती। उसका एबॉर्शन करने का फैसला किसका था? फैसला फैसला तो किसी का नहीं था। देखिए, ये एक एक्सीडेंट था। शिल्पा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो हम उसे नितिन के क्लिनिक तक लेके गए और वहाँ पर पता चला कि ये सुसाइड अटेम्प्ट, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। घर में अकेले रहते हो? बीवी बच्चा? प्राजक्ता अपने मायके गई है, उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? नॉर्मल ना? जी हाँ। अच्छा, शिल्पा केस में तुम सस्पेक्ट हो, पता है तुम्हें? हाँ पता है, लेकिन सब ये बकवास है सर। सर, शिल्पा के साथ मेरा अफेयर कुछ दिनों के लिए था, लेकिन सर मैं भी पुलिस में हूँ, मुझे भी पता है ये कोई क्राइम केस नहीं है। अच्छा? हाँ। तुम दिमाग से नहीं, जानकारी से भी कमजोर हो। किसी लड़की के साथ अफेयर करके उससे झूठे वादे करना शादी के, उसको प्रेग्नेंट करना और बाद में सुसाइड के लिए उसको प्रवृत्त करना, ये क्राइम है। सर, शादी के लिए मैंने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था, वो उसकी मर्जी से ही हो रहा था। और फिर गले पड़ने लग गई, झूठ बोलने लग गई कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, बल्कि वो मेरा बच्चा नहीं था सर। तो किसका बच्चा था? किसका था मुझे क्या पता सर, हो सकता उसके पहले पति का होगा, अतुल का। सर वो आया करता था, उसके पीछे, शिल्पा के पीछे घूमता था, और मैंने एक बार तो उसको झगड़ा करते हुए देखा है। शिल्पा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे साथ वापस चलो, चलो मेरे साथ। तुम्हें और तुम्हारे बाप को बर्बाद कर दूंगा मैं, तुम्हारे बाप का पॉलिटिकल करियर मिट्टी में मिला दूंगा मैं। चलो मेरे साथ। क्या है, कौन है तू? चल चल निकल। सर, उस दिन पहली बार मैं अतुल से मिला था और मैंने उसको जाकर समझाया भी था। समझाया था या धमकी दी थी? ये समझाते हुए धमकी दी थी। सर, वो प्यार से मानने वाला थोड़ी था। सर, शादी के पहले और शादी में होते हुए भी शिल्पा के साथ गाली गलोच, मारपीट, बस यही करता था वो। अतुल? सर, ये अतुल जनजीवन पार्टी की अध्यक्ष प्रेक्षा भारती का बेटा है। सर, ये शिल्पा के फादर इसी पार्टी से नगर सेवक थे। शिल्पा के मौत के दिन कहाँ थे तुम? पुलिस स्टेशन में था। देख, इन्वेस्टिगेशन में झूठा बयान देना क्राइम है, पता है तेरे को? शिल्पा मेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई। तो तुम्हारी बीवी है ना वो, हो सकता है ना ऐसा? ये नहीं हो सकता। क्यों? हम दोनों के बीच में कभी सेक्स हुआ ही नहीं, तो वो बच्चा मेरा कैसे होगा? कहां से आया बच्चा? हमको नाबालिग समझ रहा है? हां, पति पत्नी के बीच कुछ संबंध नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है जब तुम्हारे में कुछ कमी हो। है कुछ कमी तुम्हारे में? कमी? मुझ में कोई कमी नहीं है। फिर तुमने डिवोर्स क्यों दिया था उसको? अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए महादेव पाटिल ने शिल्पा की शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई थी। शिल्पा ने मुझसे शादी की, लेकिन दिन रात झगड़ा करती थी मुझसे, अपने बाबा पे भी नाराज थी। ये दिन रात के झगड़ों से मैं बहुत तंग आ गया था, इसलिए डिवोर्स दिया मैंने उसे। और डिवोर्स के बाद भी तुम उसके आगे पीछे घूमते थे? धमकी दी थी ना तुमने उसको? मैंने धमकी दी थी? एक बात बताओ, शिल्पा के मौत के दिन कहां थे तुम? मैं अपने घर में ही था। शिरके, ये शिल्पा की मौत प्यार, सेक्स और धोखा, इसकी वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से हुई है। ये सुधीर, हो सकता है उसने उसको टॉर्चर किया हो और सुसाइड के लिए मजबूर किया हो। ये उसके फादर, ये उसका पहले वाला पति अतुल, उसके फादर तो पॉलिटिशियन है, पावर और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और शिल्पा की वजह से उनकी इमेज भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। पर मीनाक्षी का कहना है कि उस दिन शिल्पा अकेली घर पे थी, तो हो सकता है इस बात का इन तीनों में से किसी ने फायदा उठाया, घर पे आए, शिल्पा का सर दीवार पे पटका और बाद में उसको मार दिया। सर, शिल्पा की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से शिल्पा के ब्लड में एक ऐसी दवाई के ट्रेसेस मिले हैं जिसे रेगुलर लेने से हार्ट बीट बढ़ने लगती। क्या? और आदमी कुछ दिनों में हार्ट अटैक से मर सकता है।
अगर शिल्पा का मर्डर नहीं भी हुआ होता तो ये दवाई लेने की वजह से वो अपने आप हार्ट अटैक की वजह से मर जाती। और जाहिर है कि ये दवा शिल्पा खुद होके नहीं ले रही होगी, उसको कोई दे रहा होगा। सर, इंस्पेक्टर सुधीर ने हमसे झूठ कहा था कि उसकी पत्नी मायके में अपने पिता की तबीयत की वजह से। ऐसा नहीं है सर, वो सुधीर की वजह से अपने मायके में है। उसने सुधीर के खिलाफ डिवोर्स फाइल किया है सर। और एक बात सर, जिस दिन जिस टाइम शिल्पा की मौत हुई थी उस वक्त इंस्पेक्टर सुधीर भी पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं था। यहाँ के पुलिस स्टेशन के स्टाफ से मैंने पता किया। पता करो कहाँ था, उसका मोबाइल लोकेशन चेक करो। राइट। आपकी बहन शिल्पा जब आपके साथ यहाँ रह रही थी उसे कुछ हार्मफुल दवाइयाँ दी जा रही थी जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ सकता था। कौन दे रहा था दवाई? क्या? सर, ताई को मैं जो भी दवाई दे रही थी वो सब साइकेट्रिस्ट के कहने पर दे रही थी। क्या है, कैसी है, ये सब तो आपको नितिन ही बता सकते हैं। तो नितिन को बुलाई? सर, वो इस वक्त क्लिनिक गए। कल रात जब वो वापस आए तो उन्हें एक इमरजेंसी केस का मैसेज आया और वो तभी चले गए, तब से लौटे नहीं है। चलो वहीं मिल लेते हैं उनको। शिरके, शिल्पा की दवाई है और उसके मेडिकल रिपोर्ट सब कस्टडी में ले लो। नंबर और एड्रेस साइकेट्रिस्ट का। डॉक्टर नितिन को बुलाओ, बात करनी है कुछ। सर, डॉक्टर साहब कल रात के गए हुए, अभी तक आए नहीं। कहाँ गया कुछ पता है? नहीं साहब। शिल्पा पाटिल को जानता है? उसका अबॉर्शन यही हुआ था ना? हाँ साहब, सब लीगली होता है यहाँ पर। लीगल इलीगल तो मैंने तेरे से पूछा ही नहीं। खैर, अब चल बोल रहा है तो ये भी बोल कि अबॉर्शन हुआ था या फिर मिसकैरेज हुआ था। बोल। अबॉर्शन हुआ था साहब। डॉक्टर नितिन ने बेहोशी की हालत में शिल्पा का अबॉर्शन कर दिया, फिर होश में आने के बाद बोला कि मिसकैरेज हो गया। इसी बात पे शिल्पा दीदी बहुत गुस्सा हो रही थी और बहुत रो रही थी। शिरके, ये पॉसिबल है कि डॉक्टर नितिन ने किसी के कहने से शिल्पा का अबॉर्शन किया हो? महादेव, हो सकता है महादेव ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए डॉक्टर नितिन को बोला होगा, या तो इंस्पेक्टर सुधीर सबूत मिटाने के लिए। नितिन को ढूंढो, वही हमें सच बताएगा इस मेडिसिन और एबॉर्शन के बारे में। राइट सर। वैसे नितिन कल शाम को अपने घर आया था और अपनी गाड़ी लेकर गया, तब से रिटर्न नहीं आया सर। इसका फोन भी स्विच ऑफ है, मैंने इसका फोन सर्विलेंस पर डलवा दिया सर, जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके सारे डिटेल्स हाईवे पुलिस और चेकना का भेज दो, उसका अकाउंट भी चेक करो। हमें शिल्पा के अबॉर्शन के पीछे कौन है ये ढूंढना होगा। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि शिल्पा को एक दवाई दी जा रही थी जिससे कि उसका दिल कमजोर हो और एक दिन वो खुद ही हार्ट अटैक से मर जाए। शिल्पा ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ, ये तय हो चुका था। हम बता तो देंगे लेकिन हमारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी की टेंशन आप मत लो, आप बोलिए। जब साहब को पता चला कि शिल्पा मैडम पेट से हैं तो वो बहुत गुस्सा हुए थे। कमीने, नाक कटवा दी मेरी तूने, सारी इज्जत मैंने मिट्टी में मिला दी। क्या पता है कितने पापड़ पेले थे मैंने पार्टी में पोजीशन पाने के लिए, और इसके वजह से सब कुछ खराब हो गया। अरे बाहर लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, घर में अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता, शहर क्या संभालेगा। अरे इतने अच्छे लड़के के साथ शादी कर दी थी इसकी, कमीने के साथ जाके मुंह मार रही है बाहर। भैया ये क्या, ये क्या, हाथ काट के मरने का नाटक कर रही है, मर जाना। बस नहीं करिए आप, वैसे इसकी हालत खराब है, प्रेग्नेंट है वो। अरे प्रेग्नेंट है तो बाहर में जाए, ये मर जाए, इसका बच्चा मर जाए, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। सर, मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि जिस रात शिल्पा का मर्डर हुआ उसके एक्स हस्बैंड अतुल और उसका बाप महादेव, इन दोनों के फोन की लोकेशन मोरेश्वर नगर में मीनाक्षी के घर के पास ही थी। मतलब ये दोनों हमसे झूठ बोल रहे थे। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है, अतुल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है सर, वो अपना इलाज भी करा रहा है एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास। अभी पता चला कि उस दिन वो इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहा था कि वो बच्चा उसका नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बच्चा हो ही नहीं सकता। और उस दिन वो दोनों मीनाक्षी के घर के पास थे, मतलब ये दोनों हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। उठाओ उनको। उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में था इसलिए ज्यादा बोल गया, लेकिन मैं क्यों मारूंगा मेरी बेटी को, क्यों करूंगा उसका अबॉर्शन? मेरी इमेज की और मेरे करियर की चिंता है मुझे, लेकिन उसके लिए मैं ये सब नहीं करूंगा, इतना पत्थर दिल बाप नहीं हूं मैं। तो उसके मर्डर के दिन कहां थे आप? मैं तो अपने घर पे ही था। घर पे थे?
तुम कहाँ थे? ये घर पे थे तो तुम भी घर पे होंगे। झूठ मत बोल। हमें पता है तुम दोनों मीनाक्षी के घर के आसपास घूम रहे थे। सच बोलने में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो इतना मारूंगा ना। हम दोनों शिल्पा से मिलने गए थे उस दिन। देखो शिल्पा, तुम्हारे और सुधीर के बीच में जो कुछ भी था वो मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। ट्रीटमेंट शुरू है, थोड़े दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लीज वापिस आ जाओ, शादी कर लेंगे। फिर मान जाओ ना, देखो इसी में सबकी भलाई है। कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और देखो पार्टी के सामने जो मेरी इमेज है ना वो बनी रहेगी, और हो सकता है कि अगले इलेक्शन में मुझे विधायक का टिकट ऑफर करे पार्टी। कैसे खुदगर्ज बाप है आप बाबा। पहले आपने अपने करियर के लिए इस नामर्द से मेरी शादी कराई, फिर ये अपनी कमी छुपाने के लिए मुझे टॉर्चर करता रहा, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। और अब जब मैं इसे आजाद हो गई हूँ तो आप मुझे इसी के पास वापस जाने के लिए कह रहे। उसके बाद सुधीर ने मुझे धोखा दिया, कोई विश्वास करने के लायक ही नहीं। आप सब सेल्फिश है, सबको अपनी ही पड़ी, किसी को मेरी तो पड़ी नहीं। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, इससे बेहतर मैं मर ही जाती हूँ। मैं अपनी जान दे देती हूँ। शिल्पा, उस दिन शिल्पा ने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुमको गुस्सा आया, तुम उसके पीछे पीछे उसके घर तक गए, घर में उसको अकेला देखा और उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर नितिन को मजबूर किया था ना शिल्पा को कुछ दवाई देने के लिए, जिसके वजह से कुछ दिन के बाद उसका दिल कमजोर हो जाता और उसको हार्ट अटैक आ जाता और मर जाती? क्या लालच क्या दिया था डॉक्टर को? यार क्या बोल रहे हो, शिल्पा को इस तरह की कोई दवाई दी जा रही थी? ये तो आपसे पहली बार मालूम पड़ रहा है मुझे। इनके आंकड़ा ऐसे नहीं जाएंगे, इनको डालो अंदर जेल में। हेलो ओ नेता, चला जा आता। सर मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ, जिस समय शिल्पा की मौत हुई मैं पुलिस स्टेशन में था। देख तू झूठ बोल रहे, तेरे कॉल डिटेल्स हैं हमारे पास, तू उस वक्त मोरेश्वर नगर के आसपास था। देख पहले ही तू डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला चुका है, सच बोल। तेरे को भी मालूम है झूठ बोलने वाले इंसान के साथ पुलिस क्या बर्ताव करती। वहाँ एक कॉल गर्ल है, उससे मिलने गया था। चलिए पता करो सच बोल रहा है क्या। लाश सर, कॉलर ने बयान दिया है कि जिस वक्त शिल्पा का मर्डर हुआ वो सुधीर के साथ ही थे। सर क्या हो सकता है कि उसने बयान दिया नहीं, उससे दिलवाया गया होगा। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है सर, हमारे लोकल पुलिस को जंगल में जो जली हुई लाश मिली थी उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस और एक जला हुआ सेलफोन मिला है। सर ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्टर नितिन का है, और जो सेलफोन जला हुआ था सर उसे हमारे टेक एक्सपर्ट्स रिट्रीव कर रहे हैं। डॉक्टर नितिन, कोई गाड़ी मिली वहाँ? नहीं सर। मीनाक्षी ने तो बोला था गाड़ी से गए हैं। छिड़के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो गाड़ी ढूंढने के लिए, उस गाड़ी के जरिए हम उसके कातिल तक पहुँच सकते हैं, और मीनाक्षी को भी इन्फॉर्म करना होगा। शिल्पा उस नाव की तरह से थी जिसमें अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हर कोई छेद करके उसे डुबोना चाहता था, जिसमें उसके पिता महादेव और पहला पति अतुल भी थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सच बोल रहे थे, और डॉक्टर नितिन उसका मर्डर किसने और क्यों किया था। I'm so sorry. हमें ऐसा लगता है कि शिल्पा और नितिन के मर्डर केस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो कनेक्शन सुधीर नहीं है, क्योंकि हमारी इंक्वायरी में ऐसा पता चला है कि जिस दिन शिल्पा का मर्डर हुआ उस दिन सुधीर यहाँ मौजूद नहीं था। आपको किसी के ऊपर शक जो शिल्पा और नितिन को नुकसान पहुंचा सकता था? नितिन का तो पता नहीं, लेकिन शिल्पा ताई को वो जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। वो कौन? रॉकी, हमारे कॉलोनी का ही लड़का है, बहुत ही आवारा है, दिन भर घूमता रहता है, गंदी गंदी वीडियोस बनाता है। एक दिन उसने शिल्पा ताई के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की, मेरा उससे झगड़ा भी हुआ था। वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे कि खा जाएगा।
सर मीनाक्षी ने बिना मेरी बात सुने थप्पड़ मार दिया। सर गुस्सा तो आएगा ना सर। कैब तेरे लिए लकी है, निकल अनलकी हो जाएगी। निकल। हीरो बनता है। सर मैं उसे घूर नहीं रहा था, मैं तो देख रहा था। उस दिन शिल्पा ऐसे इधर उधर भटक रही थी, उसे तो अपने कपड़ों तक का होश नहीं था। उसका दुपट्टा नीचे गिर रहा था, लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। मैंने तो बस उसका दुपट्टा ठीक किया था, लेकिन मीनाक्षी को लगा मैं उसे छेड़ रहा था। अच्छा तो तू भला आदमी। बिल्कुल हूँ सर। कमीना तो डॉक्टर नितिन था जिसके कहने पर मीनाक्षी आपको उल्टा भड़का रही है। वो कमीना अपने क्लिनिक में प्रेग्नेंट औरतों के गर्भ के लिंग का परीक्षण करता था सर, जो कि इलीगल है। मैं उसी का पर्दाफाश करने के लिए वो वीडियो बना रहा था, लेकिन उस नितिन को पता चल गया। तब से वो दोनों पति पत्नी मुझसे खार खाने लगे। सर आई शपथ मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा तू क्या वीडियो बनाता है दिखा जरा, देखते तो कितना समाज कार्य कर रहा है। देखिए सर, सर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं तो उल्टा दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। चिरगी इसके सारे वीडियो चेक करो। सर डॉक्टर नितिन का जो जला हुआ फोन मिला था और उससे जो डेटा रिट्रीव हुआ है सर, उससे पता चला है कि डॉक्टर नितिन और सुधीर आपस में इंटरनेट कॉल किया करते थे। अच्छा। दोनों की मैसेज ऐप पर भी काफी चैट हुआ करती थी सर। एक मैसेज से यह भी पता चला है कि सुधीर ने डॉक्टर नितिन को शिल्पा का एबॉर्शन करने के लिए कहा था। उसने सर यहाँ तक कहा था कि शिल्पा का मर्डर कर दो, जिसके बदले में वो डॉक्टर नितिन को कुछ पैसे भी देगा और साथ ही साथ उसके क्लिनिक में जितनी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी सबको इग्नोर कर देगा। अब गली के गुंडे के साथ जो बर्ताव किया जाता है ना, वो तेरे साथ किया जाएगा। करड़े ला इतका मारा खर बोल रहा हूँ। सर वो मैसेज मैंने गुस्से में किया था, लेकिन नितिन से जब फोन पे बात हुई तो मैंने उसे मना कर दिया था सर कुछ भी करने के लिए। सर मैं किसी की जान नहीं ले सकता सर। उस क्लिनिक में जाने जा रही थी उन बच्चों की जो पैदा भी नहीं हो, तो तेरे को ये सब पता था। इतना ही नहीं, शिल्पा को जो दवाई दी जा रही थी दिल कमजोर होने की, वो भी तेरे इशारे पे दी जा रही थी। शिल्पा का एबॉर्शन भी तेरे इशारे पे हुआ था और उसकी जान भी तूने ली। अब अच्छे वकील का इंतजाम कर, जरूरत गिरेगी। गाड़ी कागज दिखाओ। मेरी गाड़ी पे नंबर कुछ अलग है, इस पे कुछ अलग, ऐसा क्यों? अरे वो सब ये गाड़ी मुझे मेरे भाव ने दी है। वो बोल रहा था कि कुछ नंबर का प्रॉब्लम है, लेकिन वो ठीक कर देगा सब। नाम क्या जरा? किशन। नाम भी अलग, पेपर पे डॉक्टर नितिन मुराज का लिखा हुआ है। गाड़ी साइड लगाओ। अरे साहब वो बोला ना, लगा लगा साइड लगा। ये रॉकी की बनाई हुई वीडियो है। हेलो। हाँ क्या किसान राव कसा चल ले? ठीक है सर। पता? हाँ बोल, डॉक्टर नितिन की गाड़ी क्यों लेके गया था? मैं तो सूर बाहर निकालूंगा जरा। बोल, तुम्हारे कॉल डिटेल्स है हमारे पास, उससे पता चलता कि तुम संदीप से देर रात तक बात करती थी। कुछ सबूत भी है हमारे पास, उससे पता चलता है तुम्हारा और संदीप का अफेयर चल रहा था। पिक्चर देखोगी चिरके? क्या दिख रहा है इसमें? हाँ अब एक्सप्लेन करता हूं। जिस दिन शिल्पा का मर्डर हुआ उस दिन पहले शिल्पा घर आई, उस वक्त तुम घर पे थी। तुम घर से बाहर निकली, कुछ देर के बाद फिर से घर आई, लेकिन तुम्हारे पहले बयान में तुमने क्या बताया हमें? कि जिस दिन शिल्पा की मौत हुई वो घर पे अकेली थी। तो झूठ बोला था ना तुमने? सच बताओ। सर मैं बताती हूँ सर। सर मेरा और संदीप का कॉलेज टाइम से ही अफेयर चल रहा था। गुड। और कॉलेज खत्म होते होते हमारा अफेयर भी खत्म हो गया। मुझे मालूम था कि बाबा कभी भी एक स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट से मेरी शादी नहीं कराएंगे, इसलिए मैंने भी चुपचाप नितिन से शादी कर ली। फिर एक दिन मुझे मार्केट में संदीप मिला और हमारा अफेयर फिर से शुरू हो गया। लेकिन ये बात बाबा को पता चल गई। उन्होंने अपने इमेज और करियर के लिए
मुझे संदीप को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हम फिर भी छुप छुप कर मिलते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, ताई की डेथ हो चुकी थी उस रात, वो घर नहीं आने वाले थे, इसलिए मैंने संदीप को कॉल करके घर बुलाया था। लेकिन सर वो अचानक से घर आ गए, उन्होंने ना डोर बेल बजाई ना ही डोर नॉक किया, इसलिए मुझे कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। मैं बाथरूम में नहा रही थी और मेरा फ़ोन बेड पर पड़ा था, जिसमें संदीप का कॉल आ रहा था और वो कॉल नितिन ने देख लिया था। कॉल कट होने के बाद संदीप के मैसेज आए जो मेरे मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहे थे, और वो मैसेज नितिन ने देख लिया। अब समझ आया तेरी बहन की न्याय की गुहार का मतलब। उस दो कौड़ी के जर्नलिस्ट के साथ तो अपना मुंह काला कर रही है, हाँ? और कब से चल रहा था बोलिए, मुझे इतने टाइम से बेवकूफ बना के छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, लेकिन सबसे पहले आज मैं उसका हिसाब करूंगा फिर तेरा। नितिन जैसे ही घर से निकले मैंने संदीप को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। चल तू बता। सर मैं जानता था सर नितिन मेरे ऑफिस में आकर तमाशा करेगा, इसीलिए मैंने पहले से सब कुछ सेट करके रखा था। मेरे प्यून किशन को मैंने पैसों का लालच दिखाया और इसे भी अपने साथ मिला लिया, और जैसे ही नितिन मेरे ऑफिस पहुंचा, मुझे पता है मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और उसकी डेड बॉडी उसी की गाड़ी में डालकर जंगल लेकर चले गए और वहां पर ही उसको जला दिया। उसके बाद मैंने किशन को गाड़ी भंगार में डालने के लिए बोल दिया। मैं ऑफिस में जाके साफ सफाई करता हूँ, तू ये गाड़ी ठिकाने लगा लेना, तोड़ फोड़ के भंगार में भेज देना। चल 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 निकल निकल निकल। किशन राव बासुरी बाजवा। मेरे मन में लालच आ गया साहब, मैंने सोचा कि गाड़ी बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए मैं नंबर प्लेट चेंज करके गाड़ी लेके जा रहा था, तभी तुम्हें नासिक में पकड़ा गया साहब। शिल्पा को क्यों मारा? क्या ये सब? हाँ तूने बोला था दोस्त है वो तेरा, शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी से अफेयर करते हुए? आपको आई थी ताई, आपने भी तो शादीशुदा आदमी से अफेयर रखा था ना? मुझे पता नहीं था वो शादीशुदा है और मेरा डिवोर्स हो चुका है, तू खुद एक शादी में है और तू देख रही है उस गलती की सजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। देख देख अभी भी वक्त है, मत कर ये सब। नितिन वो बेचारा तुझसे कितना प्यार करता है, तू उसे धोखा दे रही है। तूने ये सब खत्म नहीं किया ना तो मैं नितिन को बता दूंगी। ताई बहुत ही सीधी थी, उन्हें कोई कुछ भी कहता था वो आसानी से मान जाती थी, इसलिए मैंने भी कुछ भी छूट मूट बोलकर उन्हें मना लिया। लेकिन मुझे डर था कि अगर वो दोबारा हमें साथ में देखेंगी तो वो नितिन को सब कुछ सच सच बता देंगी। ताई बहुत ही फिजूल के उसूल टाइप की लड़की थी, उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। फिर उस दिन वो जब घर आई वो अपना सर दीवार से पटकने लगी और उसके बाद मैं घर से निकल गई। कुछ देर बाद सब्जी लेकर मार्केट से वापस आई ताकि आप सब लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए। मैंने जानबूझकर सारा इल्जाम इंस्पेक्टर सुधीर पर लगा दिया ताकि मुझ पर किसी का ध्यान न जाए। तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी सगी बहन को मार दिया जिसको तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, इतना ने अपने पति को भी मार दिया, और तुम न्याय के ठेकेदार। बाहरी दुनिया से तो हम सब सतर्क रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब घर में ही असुरक्षा हो, स्वार्थी लोगों का झुंड हो, तब क्या करें? कैसे पहचाने उनके स्वार्थ को? दरअसल ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। झूठ फरेब दिखावा ये कहीं भी पाया जा सकता है, अपनों में भी और अपने में भी, और अगर इनमें से कोई भी चीज हमें अपने अंदर आती दिखाई दे
तो जरूरत है सतर्क होने की, क्योंकि ये हमें भी अपराधी बनाने की हद तक ले जा सकती है, और ये ना सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी घातक हो सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।